नमस्कार, मैं अंसारुल हक डाइट बोहन मोतिहारी से। इस वक्त पंचायत चुनाव 2021 को के मतगणना का कार्य मोतिहारी में चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, आज ढाका और केसरिया प्रखंड के तमाम जो पंचायत हैं और जो पदों के लिए जो मतदान हुए थे उसके मतगणना का दिन है। तो आज अभी तक का जो अपडेट है वो हम आपको बता दें कि एक नतीजे यहाँ पे आने की खबर है, जिसमें गाही पंचायत से एक मुखिया रागिनी देवी जीती हैं। और इस वक्त इस पूरे मतगणना स्थल पर क्या स्थिति है और ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना की जो प्रक्रिया है उसका जायजा लेने के लिए जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण पहुँचे हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज की जो मतगणना चौथे चरण की जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से अंजाम दी जाएगी? देखिए, काउंटिंग में कई सारी चीज़ें होती है। एक तो जो काउंटिंग पर्सनल्स का अपॉइंटमेंट वो रैंडमाइजेशन से ऑब्जर्वर के माध्यम से किया जाता है, वो हो गया है और सभी लोग अपने हॉल में काउंटिंग एक्चुअली स्टार्ट भी हो गया है। जैसे आपने बताया, एक चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है। इसके अलावा भी जो है स्ट्रॉन्ग रूम मैनेजमेंट ट्रेजरी ऑफिसर देख रहे हैं, जिससे EVM लाना या बैलेट बॉक्स लाना और उसको फिर वापस रख देना काउंटिंग के बाद, तो वो भी चीज़ हो रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है लोगों को बुलाने के लिए, ना कि बाहर भी है अंदर भी है, हॉल के अंदर भी जो है वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। 3-layer सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिया गया है। एक तो स्ट्रॉन्ग रूम के पास काउंटिंग हॉल के इमीडिएटली पास है, इनर पेरीफेरी है और आउटर पेरीफेरी भी जो है, हमारे जो बाउंड्री वॉल है उसके बस स्टैंड की तरफ आप देख रहे होंगे वहाँ पे भी पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। DSP ASP रैंक के ऑफिसर्स भी यहाँ पे है जो देख रहे हैं। SDO साहब सदर जो है और DSP सदर जो है बाहर के विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में है। अंदर में जो है अपर समाहर्ता रैंक के ऑफिसर्स जो है हॉल वाइज डिप्लॉय किए गए हैं जो इसको देख रहे हैं। 2 ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पे है। मूल उद्देश्य है कि हमको ट्रांसपेरेंसी बरतनी है। जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम हमने लगाया है पोलिंग डे में, तो यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी से दिक्कत हो जाती है, परंतु फिर भी जो है डाटा सेव किया जा रहा है हमारे द्वारा, ताकि जो है ये शिकायत जो रहती है कि हम देख नहीं पाए रिजल्ट वगैरह, तो हम उसको देख ले। इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज मैनुअल तरीके से भी जो है व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही है, ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो और काउंटिंग में कोई गलती ना हो और फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी ये हमारा मोटो है जिसको हम यहाँ पे पूर्ण करेंगे। अपेक्षाकृत जो है ये जो ढाका प्रखंड है थोड़ा सा बड़ा पंचायत है, 23 पंचायत है, इसमें 17 केसरिया में है। तो आज जो है प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रक्रिया फास्ट करना उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य है कि प्रक्रिया फेयर होना, ट्रांसपेरेंट होना। थोड़ा सा 1 घंटा या 2 घंटा डिले भी हो जाए, लेकिन जो कैंडिडेट है वो संतुष्ट होने चाहिए। इवन हारा हुआ कैंडिडेट को भी ये लगना चाहिए कि नहीं, प्रक्रिया संतोषजनक हुई है, फेयर हुई है। तो वही मैंने कहा था कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो है कैमरे के माध्यम से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देन एंड देयर, देन देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक अपलोडिंग ऑफ द रिजल्ट और ऑफलाइन भी रिजल्ट हम ये कर रहे हैं। और कैंडिडेट के लोग भी वहाँ पे रहते ही है, तो 3-4 प्रकार से जो है फेयरनेस हम सुनिश्चित करें। लेकिन फिर भी जो रात में हम यथासंभव जो है काउंटर्स भी बढ़ाए, जैसे सरपंच और सरपंच के लिए जो है वो मैनुअल काउंटिंग होता है, उसमें समय लगता है। तो ढाका के लिए हमने एक पूरा हॉल दिया है जिसमें हमने काफ़ी सारे टेबल्स बढ़ाए, डबल टेबल्स किए हैं अन्य ब्लॉक के मुकाबले। तो हमको लग रहा है कि ढाका का वो भी पंच सरपंच का चुनाव जो है शाम 6-7 बजे तक दो आना चाहिए हमको। एक बस व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी शिकायत लोगों की आई है, यहाँ पे कई जो प्रतिनिधि हैं या उनके जो लोग हैं वो आ रहे हैं तो कीचड़ है बहुत ज़्यादा, उनके कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं, तो इसको अभी मेरे भी नज़र में आया है, तो मैं अभी उसी को देखने गया था। इनफैक्ट मैंने SDO साहब और DSP साहब को ये बताया भी कि थोड़ा सा पहले हमको अगर सूचना मिल जाती तो हम उसमें राबिश डाल के उसका समतलीकरण करते, लेकिन अभी क्या है कि अभी क्राउड है वहाँ पे और किसी तरीके का वेहिकुलर मूवमेंट जो है अनहोनी को आमंत्रित कर सकता है। तो अब तत्काल जो है आज के दिन थोड़ा सा हमको खेद रहेगा, लेकिन अगले टाइम से निश्चित जो है हम वहाँ पर उस रोड को जो है मोटरेबल भी कराएंगे और कीचड़ का जो है हटाने का जो है व्यवस्था करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, मेरे ख्याल से वो तमाम प्रत्याशियों के जहन में भी होगा कि फेयर की बात आप लगातार कर रहे हैं, अगर किसी तरह की किसी को शिकायत होती है जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर के, तो उनको क्या करना पड़ेगा? शिकायतों के लिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है
आपको आरओ के सामने जो है अपना ग्रीवांस रखना होता है कैंडिडेट को। रिटर्निंग ऑफिसर जो है जिला परिषद के केस में मान लीजिए एसडीओ है, बाकी अन्य केसेस में जो है बीडीओ लोग रहते हैं, तो रिटर्न में कैंडिडेट उनका आवेदन दे देता है और आवेदन के उपरांत जो है अभिलेख संधारित करके जो है आरओ उसमें आदेश निर्गत कर देता है। और इसके अलावा उनके पास अनादर मैकेनिज्म भी है कि वो ऑब्जर्वर के पास भी अपना कंप्लेंट दे सकते हैं, जो कमीशन ने यहाँ पे अपॉइंट किया है दो ऑब्जर्वर में जैसे मैंने कहा। और तीसरा है खुद कमीशन को भी वो दे सकते हैं, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी लीगल प्रक्रिया है, तो इसी प्रक्रिया के तहत जो है कैंडिडेट अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल कर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण जो आज जो मतगणना की प्रक्रिया हो रही है उसका पूरा जायजा लेने के लिए आए थे और इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। तो हम आपको डायट भवन मोतिहारी से जो मतगणना स्थल से जो ताज़ा अपडेट है, पल पल की बदलते जो नतीजे हैं वो सबसे आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि ढाका प्रखंड क्षेत्र से गवंदरी और करसैया पंचायत के लिए जो है मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और हम जो है लगातार यहाँ की बदलती स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।